वेलकम बैक टू अवर चैनल रोमर विजय। तो यार आपने फर्स्ट वीडियो पे बहुत अच्छा प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम आए हैं अजमेर को एक्सप्लोर करने, तो यार चलते। आज अभी मैं आया हूँ आना सागर लेक में। और ये जो आना सागर लेक है वो महाराजा आना जी के द्वारा बनाई गई थी, जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी ये पूर्वज थे। 1133 से 1150 ईस्वी के बीच में बनाई गई। तो आज यार आपको विजिट कराता हूँ आना सागर लेक में। यार ये है आना सागर लेक, मस्त व्यू है यार यहाँ। तो आज यार आपको वेलकम का बना रखा है, वेलकम टू आना सागर। यार मैं चल रहा हूँ यहाँ पे जो सड़क है, यार क्या मस्त व्यू है यहाँ का आना सागर लेक का। आप भी यार आओ तो ज़रूर विजिट करना, अजमेर में आओ तो ज़रूर विजिट करना आना सागर लेक को। यार ये है आना सागर लेक, मछलियाँ हैं इसके अंदर, ये देखो क्या मस्त व्यू है यहाँ का। तो गाइस ये है आना सागर लेक के अंदर जाने का जो एंट्री का टिकट है 2500 का, तो यहाँ से आप एंट्री टिकट लेके अंदर जा सकते हो। तो यार चलते हैं अंदर। यहाँ पे पार्क बने हुए हैं, तो यहाँ पे ठहर सकता है आराम से। ग्रीनरी है चारों तरफ, और उसके भी साइड में ये जो लेक है, मस्त व्यू आ रहा है यार यहाँ पे। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो ये जो ठहरने का स्थान है, यानी कि अगर कोई आराम करना चाहे तो यहाँ पे कर सकता है। तो देखो यार क्या मस्त व्यू है यहाँ का, देखते रहो एंड एंजॉय करते रहो। तो देखो यार ये जो पीछे पहाड़ियाँ हैं, मस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे, क्या मस्त नज़ारा है यार आना सागर झील का। आप जरूर आना यार यहाँ पे, बहुत मजा आएगा आपको। बोट्स हैं तो इसमें आप ट्रेवल कर सकते हो, फिर बोट्स हैं। इसके प्राइस मैंने आपको बता दी पिछली स्लाइड में, अगर आओ तो आप यहाँ पे इन बोट्स में भी जा सकते हो। स्पेशल परमिशन लेके यहाँ पे आया हूँ सिर्फ आपके लिए, ये बोट का नज़ारा दिखाने के लिए। तो एंजॉय करो यार एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया हो तो। बोट का नज़ारा पीछे है आना सागर झील, देखते रहो एंड एंजॉय करते रहो। देखो यार ये है इसके अंदर जो कचरा वगैरह हो जाता ना उसको साफ़ करने के लिए जो मशीन है, ये इसके अंदर चलती रहती है सफाई करने के लिए। अंकल जी ने बोला कि चलो बैठ जाओ, तो मैं यहाँ पे बैठता हूँ। देखो यार पीछे का नज़ारा है, ये वाला जो ओहो क्या मजा आ रहा है। Yeah.
मैं खड़ा हूँ अजमेर चौपट के बाहर, और ये जो अजमेर की जो चौपट है इसके अंदर से जो आना सागर लेक है उसका व्यू बहुत अच्छा दिखता है यहाँ से। और अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो यहाँ पे एक मित्तल हॉस्पिटल है जो आपको दिख रहा है ना, इसके जस्ट अपोजिट में है, तो कोई आना चाहे तो आ सकता है। यार अभी अंदर एंटर होने के बाद ऐसा कुछ नज़ारा है, तो हम आगे की ओर चलते हैं। देखो यह है नज़ारा पीछे का, अच्छा है ना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। अभी हम जा रहे हैं आगे की ओर, तो वहाँ पे एक अच्छा व्यू है, तो वो आपको दिखा रहा है, इसके लिए हम जा रहे हैं वहाँ पे। सागर जो झील है उसका व्यू है। ये देखो यहाँ पे बत्तख वगैरह यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये देखो ये घर सा बना हुआ है, और उसके ऊपर ये देखो ये पंछी वगैरह बैठे हुए हैं। यार आपके अंदर कुछ भी अगर नेगेटिविटी हो ना, यहाँ पे आने के बाद एकदम आपको पीसफुल लगता है। वैसे मेरे अंदर तो नहीं है। यहाँ पे बना हुआ है कुछ, उसके ऊपर चल रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ यार, आपके लिए कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ के थोड़े बहुत सिनेमेटिक शूट करूँगा, तो यहाँ पे आगे की स्लाइड में आपको दिखेंगे। देखो यार एंजॉय करो, चौपाटी को एंजॉय करो, मेरी जो चौपाटी है यार इंडिया देखी हो सभी आगे वो आपको दिखाना है। यार मैंने जैसा कि आपको बोला था आपको एक अमेजिंग व्यू दिखाना है, तो यार ये देखो पीछे की तरफ क्या व्यू है। ये भी व्यू है, लेकिन जो अमेजिंग व्यू है ना वो बस कुछ ही पल का इंतज़ार है, और बस फिर आपको दिखाएंगे एक अमेजिंग व्यू। अगर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस कुछ ही पल का इंतज़ार है, और आपको जो वो व्यू है वो दिखाएंगे। तो यार ये है व्यू जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो ये है आई लव अजमेर। ये क्या है, एक चौपाटी है, यहाँ पे अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इसका ये लिखा हुआ है, और ये देखो आई लव अजमेर। यार ये है अजमेर के अंदर एक चौपट है, तो वहाँ के अंदर गार्डन है, तो वहाँ का व्यू है, चारों तरफ ग्रीनरी है, एकदम मस्त व्यू है। वहाँ पे अगर आराम वगैरह करना हो तो आराम से आके आराम वगैरह कर सकते हो तुम। मैं भी अभी आधा एक घंटा यहाँ पे बैठा हुआ था, थोड़ा बहुत आराम कर रहा था, फिर अभी निकल गया हूँ वापस। अभी और कोई लोकेशन पर भी मेरे को जाना है, बस यहाँ का शूट वगैरह करके मेरे को दूसरी जगह निकलो। तब तक यार आप वीडियो को एंजॉय करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। जो आना सागर की जो लेक है, तो मैं कह रहा था आपको अगर आप आना सागर आओ तो यहाँ पे दो पॉइंट है, एक तो आना सागर के जो एंट्री पॉइंट हो गया, एंड उसके अलावा है एक जो चौपट का एरिया हो गया, अजमेर के अंदर है चौपट, तो आप दोनों एरिया को ज़रूर विजिट करना। मैं भी कल ये सोच रहा था कि केवल यही है, लेकिन किसने मेरे को बताया कि ये दो जगह हैं, तो आप दोनों को विजिट ज़रूर करें। यार वीडियो को लाइक करें, चौपट बहुत बड़ा है, घूमे जाओ, लेकिन यहाँ का जो व्यू है ना वो बहुत अमेजिंग है यार, ज़रूर विजिट करना आप भी। हम चलते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा और, एंड इसके बाद में हम कहीं और जाएंगे घूमने के लिए।
लाइट वगैरह लगी हुई है यहाँ पे, तो रात शाम के वक्त में यहाँ का नज़ारा और ही मस्त होता है। एंजॉय करो, वीडियो को लाइक करो। आप सभी को रोग अच्छा लगा होगा। अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।